हे गाइस, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, कैसा गया टेस्ट आपका? बहुत अच्छा अटेंड किया लोगों ने और बहुत अच्छा स्कोर भी किया इस बार। मैंने स्कोर देखा, ऐसा बढ़ रहा था, मेरे को लगा ये फर्स्ट आएगा, ये फर्स्ट आएगा, और ऐसे ऐसे होते हुए थर्ड रैंक तक बहुत अच्छा स्कोर। इवन टॉप 10 में जो थे बहुत अच्छा स्कोर किए थे। आइए देखते हैं सबके स्कोर, किसने कितना स्कोर किया, प्लस इसका रिजल्ट, किसका किस क्वेश्चन का क्या रिजल्ट है, वो कहाँ मिलेगा, ये भी बता देता हूँ आपको। तो ये था अपना स्टेट बोर्ड टेस्ट सीरीज, आप सबने अभी भी ज्वाइन किया था आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके रिजल्ट चलिए देखते हैं। तो यहाँ जब टेस्ट में हम लोग रिजल्ट आपका, ये आप लोगों ने अटेंड किया था और ये है आपका स्कोर कार्ड, ठीक है। एवरेज जो स्कोर आया है वो है 43, सबने 43 के आसपास किया है। मेरा टारगेट वैसे 60 का था, बट चलो कोई बात नहीं। इसमें से सबसे अच्छा जो स्कोर किया है वो शोएब ने किया है। शोएब, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। इन्होंने 110 मार्क्स किया हुआ, कितना किया हुआ है, 110 मार्क्स किया है, बहुत अच्छा स्कोर किया। इसके बाद आतिफ ने किया है, आतिफ ने किया है 110 मार्क्स, क्या बात है। और ये दोनों ही मतलब एक तरीके से ये फर्स्ट आया है, सेकंड हो सकता है, कुछ एक दो क्वेश्चन इधर उधर हुए होंगे। तो आतिफ का सेकंड स्कोर आया है और थर्ड पे है संजीव कुमार सानी, क्या बात है। संजीव, आपको भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। तो शोएब ने, आतिफ ने और संजीव ने बहुत अच्छा स्कोर किया, आप सब देख सकते हैं स्टेट प्रो के टेस्ट में 110 नंबर्स, 120 में सलाना, एक बेहतरीन मार्क्स है, ठीक है। इसके आगे है चिराग, चिराग ने भी अच्छा स्कोर किया है और चिराग को मिलेगा 87 मार्क्स मिला है। अमित शुक्ला, मुझे लगा फर्स्ट पे आएंगे, इनका टेस्ट अच्छा चल रहा था, 86 पे आए ये। जुनेद 85 पाए हुए हैं, जय पाए हैं 83। मैं सबका नंबर इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे सबको समझ आ जाए, तो लोग सोचेंगे सर को प्रेशर क्यों वगैरह तो नहीं कर रहे। नहीं भाई, आपके सामने स्कोर कार्ड है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जय 83 पाए और बिलाल पारे 80 मार्क्स, बिलाल ने भी बहुत अच्छा स्कोर किया है। 80 के ऊपर जितने लोग हैं ये लोग बहुत बेहतरीन किए हैं, या फिर 80 भी जो है बहुत अच्छा किए हैं। मंजूसर ने अच्छा स्कोर किया है 67, फैजान ने अच्छा स्कोर किया है, सुदीप ने अच्छा स्कोर किया है, नागेश ने किया है, रॉय ने किया है, उसके बाद फैजल ने किया है, अमन ने भी अच्छा स्कोर किया 60 मार्क्स, और उसके बाद प्रशांत ने किया है 60 मार्क्स, मुजाहिद ने किया है 52 मार्क्स, विपुल ने किया है 50 मार्क्स, ये 50 वाले भी अच्छा स्कोर किए हैं। शांतनु ने किया है 50 मार्क्स, वेरी गुड। विंद ने किया है 50 मार्क्स, चेतन ने किया है 50 मार्क्स, आकाश यादव ने किया 50 मार्क्स, योगेश ने किया 50, क्या बात है। लगभग लगभग आप देख सकते हो आपके सामने सबकी रिपोर्ट है और सबने अच्छा स्कोर किया है इस बार कंपेयर टू लास्ट टाइम्स, ठीक है। मेरे को अच्छा लगा क्योंकि लास्ट टाइम पे और इस टाइम में काफी डिफरेंस है, कुछ लोग माइनस में भी गए हैं, ठीक है। तो अब ये समझो कि अगर आप माइनस पे हो या फिर जीरो पे हो तो गड़बड़ है, और 50 के ऊपर जो लोग हैं दे आर परफेक्ट इन स्टैट प्रो, ये मान सकते हैं। और जो लोग 80 के ऊपर हैं बहुत अच्छे हैं स्टैट प्रो में, और जो लोग 100 के ऊपर हैं नो डाउट दे आर वेरी गुड इन स्टैट प्रो। आपका ये जो रुझान है मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो फिर मैंने एक और प्लान किया आपके लिए, एक नया गिफ्ट। इसका टेस्ट सोच रहे होगे ना, रिपोर्ट कहाँ पे मिलेगा सर, इसका मतलब कि कौन सा किसका क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा ठीक था, बताता हूँ आप सबके लिए एक और गिफ्ट है, पहले वो बता देता हूँ। अब क्यू आर का गिफ्ट ऐसा है जो आपको बहुत हेल्प करेगा आगे आपकी लर्निंग में, अगर आप फाइनेंशियली थोड़े बहुत प्रॉब्लम में हैं तो आपको हेल्प करेगा। जैसे कि इसमें से शोएब को, आतिफ को और संजीव को, ये तीनों लोग वीडियो देख ही रहोगे तो मैसेज कर देना मुझे, आज ही आप लोग इवनिंग में ऐड हो जाओगे। संजीव को मिल रहा है टिकला का फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आतिफ को मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ ही साथ शोएब को मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्ला का फ्री कोर्स। चलिए जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या मेरे तरफ से गिफ्ट है आपके पास। अभी ये दिवाली का ही सीरीज है, नेक्स्ट गिफ्ट है नेक्स्ट संडे का टेस्ट सीरीज, थोड़ा यूनिक होने वाला है फिर से। वो टेस्ट सीरीज रहेगा ऑल इन वन करके, हमारा एक कोर्स है ना ऑल इन वन, उसी के बेसिस पे, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ कोर्स वाले, सारे लोग अटेंड कर सकते हैं ऑल इन वन टेस्ट। ये टेस्ट अटेंड करने के लिए आपका बैच कोड रहेगा यूनिक सिविल TES, यूनिक सिविल टेस्ट सीरीज, शायद ये लास्ट टेस्ट सीरीज होगा। इसके अंदर लास्ट नहीं है, इसके बाद और प्लानिंग में है। इसके अंदर आपको ऑटोकैड, स्टेट प्रो, ई टैब्स और रैबिट के ऊपर, और साथ साथ सेफ और RCDC, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मीन्स मोटा मोटा कह सकते हो जो ऑल इन वन कोर्स है उसके अंदर जितना सिलेबस है उसके बेसिस पे ऑल इन वन टेस्ट लिया जाएगा, यूनिक सिविल TES, ठीक है। अब इस टेस्ट में क्या बेहतरीन ऑफर आपके लिए है, ये देखो, अभी जो पुराना टेस्ट था उसमें काफी लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो गिफ्ट तो उनको मिलना चाहिए, बट उसमें तो रूल था कि टॉप 3 को मिलेगा, जिसमें से शोएब को मिला, आतिफ को मिला और उनको मिला। तो अब इसमें नेक्स्ट क्या ऑफर है यूनिक सिविल TES में, मतलब ऑल इन वन टेस्ट सीरीज में, ऑफर ये है कि जो लोग जितना मार्क्स स्कोर करेंगे, मान लीजिए किसी ने 60 मार्क्स स्कोर किया, किसी ने 80 मार्क्स स्कोर किया,
तो यूनिक सिविल के स्टोर से आप किसी भी, कोई भी आपको लगता है कि मुझे ये कोर्स सीखना है, उतने परसेंट आपको ऑफ मिल जाएंगे। किसी ने 100 स्कोर किया उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे सारे के सारे कोर्स। किसी ने 100 के ऊपर किया उसको भी फ्री मिलेगा कि उसके आगे कुछ है नहीं, ठीक है। तो 100 मार्क्स या फिर उसके ऊपर स्कोर करते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे जितने लोग करो, ठीक है। और जो लोग उसके नीचे 80 करते हैं, 70 करते हैं, 40 करते हैं, उनको राउंड ऑफ में, जैसे कि मान लो 72, तो आपको 75% ऑफ हो जाएगा। जिसने किया 50 उसको 50% मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको बेहतरीन ऑफर मिल रहा है, ठीक है। आप चाहो तो उसका फायदा उठा सकते हो, आज ही ज्वाइन कर लो ऑल दी वन सॉरी ऑल इन वन टेस्ट, जिसका बैच कोड है यूनिक सिविल TS, यूनिक सिविल टेस्ट सीरीज। और इसको बेहतरीन देना, इसमें भी 13 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मार्क्स रहेंगे, जैसे आज था टेस्ट वैसा ही। और आप अटेंड करिए, देखते हैं कौन इसमें से स्कोर करता है और किस तरीके का वो बेनिफिट उठाता है। ये टेस्ट सीरीज करने का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है, ज्यादा ज्यादा लोग तैयारी करें और तैयारी करके आए और अपने आप को चेक करें कि हाउ मच आई एम कैपेबल और मैं कितना कर पा रहा हूँ। जस्ट आपका एक रुझान लाने के लिए मैं छोटे छोटे प्रयास कर रहा हूँ, और इससे आपको बेनिफिट हो रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि आज जैसे टेस्ट सीरीज में लोगों ने पढ़ा भी होगा। इसमें पढ़ोगे आपको बेहतरीन फायदा होने वाला है। तो ये लगभग फर्स्ट सेकंड थर्ड ही नहीं, जितने लोग टेस्ट देंगे उतने लोगों को फायदा होगा। अब आपके ऊपर है, आप ऑटोकैड स्टैट प्रो ईटैब्स और रेविट में कितना अच्छा अपने आप को कैपेबल बना पाते हो, उतना बेहतरीन। अब बात करते हैं आज का टेस्ट सीरीज का आंसर कहाँ मिलेगा। तो आपके पास ऐप तो है ही, ऐप के अंदर आप जा सकते हो कहां पर, स्टडी मटेरियल्स में। कहां पर? स्टडी मटेरियल्स में, ऊपर प्रोफाइल के सामने देखते हो ना स्टडी मटेरियल, वहां जाना। वहां पर फोल्डर दे दिया है स्टेट बोर्ड टेस्ट पेपर, जैसे इस पर क्लिक करना, और इस पर क्लिक करके जैसे देखोगे आपके सामने टेस्ट आ जाएंगे। और मैंने हाईलाइट कर दिए जिस भी क्वेश्चन का जोक सही था, ये देखो इसका 7 नंबर सही है। स्ट्रक्चर विजार्ड में 7 टाइप्स के मॉडल्स आप बना सकते हो। ये सारे आंसर आपको हाईलाइट कर दिए हैं, आप जाइए फटाफट अपना आंसर मैच कर लीजिए, और साथ ही साथ जिसको आंसर नहीं आया था वो सही आंसर की पहचान कर लीजिए। अब इससे बेहतरीन क्या हो सकता है। तो आपके लिए मैंने इतना मेहनत किया है, और तो फिर आपको मेरे को भी कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा। मैंने आप सबको गिफ्ट दिया ना ऑल इन वन टेस्ट, तो मुझे लगता है सबको गिफ्ट मिलने वाला है इसमें, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने इसमें भी अच्छा टेस्ट आपको, अच्छा एक गिफ्ट दिया ही। अब मेरे को क्या गिफ्ट दोगे, मुझे गिफ्ट बस इतना सा आपकी तरफ से चाहिए कि आप लोग इंस्टाग्राम पे, मेरा एक स्टूडेंट है डेली पोस्ट डालता है, उसको थोड़ा हेल्प करो, ठीक है। वो मेरा पूरा पेज हैंडल करता है यूनिक सिविल का, और आप लोग को कुछ नहीं करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इंस्टाग्राम चलाते ही होगे, 2 मिनट लगेगा, जाके इसको फॉलो करो। और इसमें वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाता है, इतने बेहतरीन क्वेश्चन बनाता है वो, तो उसको डेली आंसर किया करो कि आपको भी पता चलेगा कि हमारा यूनिट वेट किस चीज का कितना है। तो देखो कितना अच्छा उसने पोस्टर बनाया है, तो उसकी मेहनत को थोड़ा सा अगर अप्रिसिएट करोगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो आपको बस इतना ही करना है, जाओ और यूनिक सिविल पेज को जस्ट लाइक कर लो यार, इतना क्या जाता है आपका, आपका तो कुछ नहीं गया ना। लेकिन जो मेहनत कर रहा है उसके पीछे, उसको उसकी मेहनत पता चलेगा कि यार मेहनत का रिजल्ट आ रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। एंड साथ ही साथ मेरा ये अप्रिसिएशन कैसा लग रहा है आप लोगों के लिए, कुछ तैयारी में कुछ फर्क पड़ रहा है, आगे की कोई भी प्लानिंग आपको लगता है कि सर और भी कुछ करो, तो नीचे कमेंट करो ना यार, कमेंट करोगे बताओ कि सर ऐसा कुछ करिए जिससे इसमें बेनिफिट हो, तो डेफिनेटली हम सोचेंगे कि हाँ अगर आपको कुछ अच्छा हो रहा है और आप पढ़ने के लिए तैयार हो रहे हो तो मैं जरूर करूंगा 110%। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। आज ही ऑल इन वन टेस्ट ज्वाइन कर लो, और ये यूनिक सिविल TS इसका कोड है। एक रिक्वेस्ट है, वो लोग ना ज्वाइन करें जो अटेंड नहीं करते हैं। भाई देखो कई लोग हैं जो कि अभी तो जल्दी ज्वाइन कर लेंगे, नेक्स्ट संडे को मैं इतनी बार रिमाइंडर दिलाता हूँ, सोचो फिर भी वो भूल जाते हैं, ठीक है भाई। फिर मत ज्वाइन करो ना यार, सीरियस लोग ही केवल ज्वाइन करो, जो लोग सीरियस नहीं है, हम कोई रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहे हैं आपसे, ठीक है, उनको करने की जरूरत नहीं है। जो लोग एक्चुअल में इंटरेस्टेड है वही लोग केवल अप्लाई करें। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।